नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तुषार कुमार। तो इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम हरियाणा पंजाब में आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। बेटी की शादी और मकान बनवाना, जीवन में ये ऐसे दो काम है जिसमें आदमी कितना भी मजबूत क्यों ना हो, कर्ज के बोझ के तले नीचे आ ही जाता है। और फिर गरीब मजदूर के लिए तो क्या ही कहने। हालांकि सरकार चाहे वह केंद्र की हो या राज्य की, श्रमिकों के कल्याण के लिए कई ऐसी योजनाएं चला रही है जिनकी मदद से विवाह शादी के दौरान पड़ने वाले आर्थिक बोझ को कुछ हद तक कम किया जा सके। बता दें कि अब हरियाणा सरकार की बात करें तो राज्य की नायब सरकार श्रमिकों की बेटी की शादी के लिए 1,01,000 रुपए की आर्थिक मदद दे रही है। इस योजना के तहत 75% राशि शादी के 3 दिन पहले मिल जाती है और बाकी राशि शादी के बाद मुहैया कराई जाती है। बता दें कि 1,01,000 रुपए की राशि में 51,000 रुपए कन्यादान योजना के तहत और 50,000 रुपए शादी के इंतजाम के लिए दिए जा रहे हैं। आज इस भव्य कार्यक्रम में जो आज जींद के इस ऐतिहासिक भूमि पर श्रमिक जागरूकता एवं सम्मान समारोह, आज इस कार्यक्रम में उपस्थित भारी संख्या में मेरी मातृशक्ति, मेरे भाई, युवा साथी, सभी श्रमिक भाइयों और बहनों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं। काफी लंबे समय के बाद आज आप लोगों के दर्शन करने का अवसर मिला है। मेरे को फोन कर रहे थे, मैंने 11 बजे पहुंचना था, कहने लगे कि 10 बजे के बैठे हैं। मैंने कहा, मैं कहा मेरे परिवार जन है, मैं उनके बीच से ही आया हूं और हम तो मखा वो व्यक्ति हैं जो कड़कती धूप में भी लगे रहते हैं, काम करते रहते हैं, हमें गर्मी की चिंता नहीं है। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के। मैंने पूछा, क्या बिटिया की शादी के ऊपर 3 दिन पहले अधिकारी जा रहा है? तो मुझे कहने लगे कि अब तो नहीं जा रहा। मैंने कहा, क्यों नहीं जा रहा? जाना चाहिए। और मैंने उसी दिन ही उसको लागू कर दिया कि अगर किसी श्रमिक की बिटिया की शादी होगी और वो उसको ऑनलाइन उसको पल डालेगा, 3 दिन पहले शादी से 1,01,000 रुपए का चेक लेकर के वो श्रमिक के घर के अंदर जाएगा। ये भी खुशी है कि बेटियों के कन्यादान के लिए हमने योजना बनाई थी कि 50,000 रुपया उसके प्रबंधन के लिए और 51,000 रुपया बेटी के कन्यादान के लिए 1,01,000 रुपया उसकी शादी पर देने का निर्णय हमने लिया था। आज मुझे खुशी है, मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसी हमारी 1,206 बेटिए जिनके खाते के अंदर 12,18,00,000 रुपया आज जब वतन दबाया है तो सीधा उनके खाते के अंदर गया है। भाइयों, मैं आप लोगों के बीच में, क्योंकि मैं आपके परिवार का व्यक्ति हूं और आपको एक और विश्वास दिलाता हूं, मैंने इसका पूरा सरलीकरण कर दिया है। भाइयों, अधिकारियों को भी बोला है कि अगर कोई भी बेनिफिट है मेरे श्रमिक भाई अगर अप्लाई करेगा उसको चक्कर नहीं काटना पड़ेगा, अगर कोई चक्कर काटेगा तो मैं उसके खिलाफ कार्रवाई कर दूंगा। मैंने ये स्पष्ट रूप से अधिकारियों को कहा है कि अगर कोई भी अप्लाई करता है उसका बेनिफिट उस तक पहुंचना चाहिए। भाइयों, आज हमारे अधिकारी आपकी बात को सुन करके आप तक लाभ पहुंचाने का काम वो लगातार कर रहे हैं। और भाइयों, एक और बात आपको कहता हूं, अगर आपकी कोई बात ना सुने, आपका बेटा भाई चंडीगढ़ में है, नहीं तो कोई भी व्यक्ति श्रमिक को घर में नहीं घुसने देता था, परंतु मेरा घर आपके लिए 24 घंटे खुला है, कभी भी आकर के आप मेरे से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं।
बात करेंगे अगली खबर की। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज अपना 66वां जन्म दिवस मनाया। बता दें कि इस खास मौके पर दुनिया भर से उन्हें शुभकामनाएं संदेश आ रहे थे। इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने ट्वीट कर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जन्म दिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। साथ ही सीएम नायाब सिंह सैनी ने जनसेवा, राष्ट्रीय सेवा के समाज के प्रति, वर्ग के कल्याण हेतु समर्पित नारी सशक्तिकरण की प्रतीक महामहिम राष्ट्रपति महोदय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। बात करेंगे अगली खबर की। कांग्रेस की दिग्गज नेता किरण चौधरी ने कांग्रेस में दम घुटने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई। इस मामले में अब अंबाला से कांग्रेस के सांसद वरुण मुलाना ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस से जब कोई नेता भारतीय जनता पार्टी में जाता है तो वह दिखाई देता है कि मगर भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद वह दिखाई ही नहीं देता। वरुण मुलाना ने यह भी कहा है कि किरण चौधरी के साथ भारतीय जनता पार्टी में जाकर क्या होता है ये भी देखना रोचक होगा। पहले हमारे युवाओं के साथ होता रहा कि कितने पेपर लिख, कांग्रेस समुंदर है। और बड़ा अच्छा हमारे एक भाई ने ट्वीट किया हुआ था कि जब कोई भाजपा में जाता है तब तो दिखाई देता है, लेकिन जाने के बाद वो कांग्रेस के से जब छोड़ के जाता है उसके बाद फिर भाजपा में वो दिखाई नहीं देता। ये आप देख सकते हैं, इतिहास देखें आप, जो साथी रहे उनका पता नहीं चलता वो कहाँ है। वो अपना तो बताए, अपने बूथ से हार गए, अपने गांव से हार गए, अपने विधानसभा क्षेत्र से हार गए, वो किस मुंह से कह रहे हैं, पहले अपना घर ठीक करें। ये दुख की बात है, कितना ही आज हमारे बच्चों के साथ हो रहा है, पहले हमारे युवाओं के साथ होता रहा कि कितने पेपर लीक होते जा रहे हैं लगातार, कोई रोक ही नहीं। और इसीलिए एक भारी रोष, चाहे वो अग्निवीर के कारण, चाहे ये पेपर लीक के कारण, तो युवाओं में भारी रोष है और इसलिए सबने मन बना लिया है कि आने वाली सरकार हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी की होगी। बात करेंगे अगली खबर की। लोकसभा चुनाव में जनता से किए गए वादों को पूरा करने में प्रशासन जुट गया है। बता दें कि अमृतसर में 19 जून को कैबिनेट मंत्री सरदार कुलविंदर सिंह धालीवाल ने शहर के लिए सिरदर्द बन चुके तुंग डाब नाले को गंदे नाले से निकालकर खुली सड़क और सैरगाह बनाने की शुरुआत कर दी है। बता दें कि इस नाले को 120 करोड़ की लागत से कवर कर खुली सड़क पर सैरगाह के रूप में विकसित किया जाएगा। तैयार कर ली है और 110 करोड़ की डीपीआर टोटल बन रही है। मैं मान लो कि मंत्री साहब ने आश्वासन दिया कि वो इस प्रोजेक्ट को लेकर जेकर उन्होंने सीएम साहब ने मिलना पाया तो सेंट्रल गवर्नमेंट के भी जाना पाया तो उतों पैसे लेके आएंगे तो प्रोजेक्ट जो स्टार्ट करांगे। ये डीपीआर साड़ी बिल्कुल तैयार हो चुकी है तो हम जो फंड है फंड असि कोशिश यही रहेगी कि हम फंड लेके आईए तो वो तो जल्दी जल्दी स्टार्ट करेंगे। फिलहाल समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौट रहे हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। हरियाणा के परिवहन राज्य मंत्री असीम गोयल ने आज अंबाला शहर से 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग नागरिकों के लिए मिशन निरोग अंबाला की शुरुआत की है। बता दें कि मंत्री असीम गोयल का दावा है कि इस मिशन के तहत जो वरिष्ठ नागरिक उनके कार्यालय में अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे उन्हें जेनरिक दवाइयां बिल्कुल फ्री उपलब्ध करवाई जाएंगी। साथ ही मंत्री ने बताया कि ये दवाइयां हर महीने की 1 तारीख को वरिष्ठ नागरिकों को उनके घर पर पहुंचाई जाएंगी। देखिए आज हमारी संस्था मिरास मान ने एक नया प्रकल्प जो है मिशन निरोग अंबाला, जो हमारे 60 साल से ऊपर के वरिष्ठ जन हैं और अगर उनको जेनरिक मेडिसिन जो उनके डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन के नाते जो भी मेडिसिन लिखी हुई है उसका जेनरिक वर्जन जो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पे भी उपलब्ध है, अगर कोई भी दवाई उनको चाहिए वो हमारे यहाँ पे नोट करवाएं, हर महीने की 1 तारीख को
हमारा कार्यकर्ता उनके घर देखकर उस दवाई को पहुंचाकर आएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। और आज से हमने 11 ऐसे जो हैं हमारे जो वरिष्ठ जन हैं उनके आशीर्वाद से आज इस मिशन को शुरू किया है। और 25 तारीख तक हर महीने की जिसका प्रिस्क्रिप्शन हमारे पास आ जाएगा उसको अगली ही एक तारीख से दवाई मिलेगी, और 25 से बाद यानी 26 तारीख के बाद भी जिसका प्रिस्क्रिप्शन आता है तो उसको अगले महीने की एक तारीख से जो है हम दवाई देंगे। बात करेंगे अगली खबर की। खबर यमुनानगर से है जहां गुलाब नगर में टी मर्चेंट जर्नल स्टोर में देर रात भयानक आग लग गई, जिसमें लाखों का सामान जो था वो जलकर खाक हो गया। बता दें कि शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। इस दौरान सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बात करेंगे अगली खबर की। सिरसा शहर के मुख्य बाजार में पेट्रोल पंप के सामने रानिया को जाने वाली 29 साल करीबन 25 फुट गहरी पुरानी सीवरेज की मुख्य लाइन सुबह 8 बजे के आसपास धस गई। बता दें कि स्थानीय लोगों ने जन स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन को सूचित किया और किसी हादसे को टालने के लिए रोड को वन वे कर दिया। तो वहीं सूचना मिलने के बाद पुलिस विभाग और जन स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची और रोड की मरम्मत करने में जुट गई। बात करेंगे अगली खबर की। सिरसा भाजपा की पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल का एक बड़ा बयान सामने आया है। बता दें कि किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति चौधरी के साथ कांग्रेस में ज्वाइन हुई। साथ ही भारतीय जनता पार्टी में किरण चौधरी और श्रुति चौधरी का स्वागत करते हुए कहा कि भाजपा में सुकून महसूस करेंगी किरण और श्रुति चौधरी। साथ ही सुनीता दुग्गल ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस में एक परिवार को ही बढ़ावा दिया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी में नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ कैसा बर्ताव होता है इसका सबूत मिल गया है। देखिए, अगर आप इसको इस नज़र से देखें कि जो उनकी पूर्व की अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी की और अभी वर्तमान में जो सिरसा से सांसद हैं, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा है कि किस तरह से जो है वो हमारी किरण जी और उनकी जो बेटी हैं श्रुति जी, उनके साथ किस तरह से नाइंसाफी कांग्रेस के अंदर हुई है। तो इसलिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है एक बहुत बड़ा परिवार है और उसमें जो है हमारी ऐसी महिला नेत्रियों का खासकर बहुत बहुत स्वागत है कि जिनको ये महसूस होता है कि यहाँ पर जो है उनके अधिकार सुरक्षित रहेंगे और यहाँ पर उनके साथ किसी भी तरह की कोई नाइंसाफी नहीं होगी और वो अपने आप को यहाँ पर अगर बेहतर महसूस करती हैं तो बहुत बहुत उनका स्वागत है। देखिए, मैं फिर से यही बात कहूँगी कि जो उनकी ही पार्टी के जो लीडर्स हैं वो बहुत बेहतर तरीके से जो है अपनी पार्टी के बारे में बता सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि जो वर्तमान की सांसद हैं उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस में किस तरह से जो है केवल और केवल एक परिवार जो है उसी को ही बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है और इसके साथ साथ जो बाकी पार्टी के वर्कर्स हैं, जो बाकी पार्टी के सीनियर लीडर्स हैं, उनके साथ किस तरह से नाइंसाफी होती है, उनको किस तरह से दरकिनार किया जाता है और उनकी कहीं पर कोई सुनवाई नहीं होती है। तो मुझे लगता है कि ये सब बातों को देखते हुए जो है वो किरण जी जो है वो कि पूर्व में मंत्री भी रही हैं और उनकी जो बेटी हैं वो पूर्व में सांसद भी रही हैं, तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में जो है वो आने का निर्णय लिया है, तो उनका बहुत बहुत स्वागत है। बात करेंगे अगली खबर की। सिरसा जिले में पुलिस द्वारा जहां नशा तस्करों पर धरपकड़ की जा रही है, तो वहीं नशे के सौदागरों द्वारा नशे से अर्जित की गई काली कमाई तथा उनके द्वारा पंचायती जमीन पर किए गए अवैध कब्जों पर भी पीला पंजा चलाना शुरू कर दिया गया है। बता दें कि जिला पुलिस प्रशासन ने स्थानीय प्रशासन के सहयोग से गांव खारी सुरेरा निवासी निशा तस्कर सुखदेव सिंह उर्फ सुखा पुत्र मोहनलाल निवासी गांव खारी सुरेरा के द्वारा अवैध रूप से पंचायती जमीन पर कब्जा कर बनाए गए मकान पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया गया। बात करेंगे अगली खबर की। पिहोवा कुरुक्षेत्र रोड पर बने डंपिंग जोन को लेकर आज वहां के स्थानीय लोगों ने रोष जताया। बता दें कि कूड़ा डालने पहुंचे डंपरों को भी ग्रामीणों द्वारा रोक दिया गया। साथ ही लोगों का कहना है कि जब से यहां पर
डिंपिंग ग्राउंड बना है तब से उनके घर के सदस्यों को बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वही डिंपिंग जोन होने के कारण यहां पर आवारा पशु इकट्ठा होते हैं जो हादसे को भी न्योता देते हैं। और ये देखो जी मेरे घर का सारा ये जब का ये डंपिंग ग्राउंड बना है, हमारे बच्चे बीमार घर के बुरा हाल बन गया। जिस दिन बरसात आंधी तूफान आ जाता है सारा देख लो कबाड़ सारा का सारा हमारा यहाँ भर गया। और जब का ये बना है ना यहाँ एक्सीडेंट और आवारा कुत्ते आवारा पशु सारे, और जिस दिन आंधी तूफान आ जाता है हमारे तो ये घर में मुमजब में सारा कबाड़ जो नगर पालिका का सारा हमारे घरों में बढ़ जाता है। और हमारा तो जीना दुब्बर हो गया जी, यहाँ हमारे बच्चे बीमार है, आदमी बीमार है, बच्चे ना पानी हमारा सही से आता, पानी भी दूषित है यहाँ पर तो। सारा हमारा तो सारे इस डंपिंग ग्राउंड की वजह से जीना दुब्बर हो गया जी। शहर के अंदर शहर के बीचों बीच ये डंपिंग ग्राउंड बना रखा है, इसका बंद होना चाहिए डंपिंग ग्राउंड। हाँ भैया, कल रात अंधी आई, ये सारा कबाड़ अंदर चला गया घर में, तो खेतों में देखो खेतों में सारा कबाड़ पहुंचा हुआ है। और जिस टाइम भी ये आवारा डंगर है जैसे भी है ये सड़क पे आते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, फिर सारे तरह से तंगी है हमें, कोई मक्खी मच्छर हर ज्यादा हो चुका है। तो इसको लेकर किसी अधिकारी से मिले थे आप? जी मैं सब प्रधान जी को भी कह दिया है, संदीप सिंह को भी कह चुका हूँ, एसडीएम को भी कह चुके हैं। एसडीएम ने आए थे दिन दौरा करने आए थे, उनको भी बोला था, मैं कहा जी ये कबाड़ का सोल्यूशन करो, क्या हम चार दीवारी बना देते हैं, छोटी सी चार दीवारी बनाकर ये साइडों में ना चार दीवारी करी, सारे लफाफे आप देख सकते हो कहां तक गए हुए हैं। जी नुकसान तो बहुत ज्यादा है, भैंसों के पास मक्खी मच्छर सब डंग बंदे सब दुखी है, यहाँ बच्चे बुच्चे सब बीमार हो रहे हैं, चक्कर कबाड़ पे तंग हो रहे हैं। हम तो मंत्री पे सारा पे वीडियो पे भी पाली सारा कर लिया, लेकिन हमारा कोई हल नहीं होता, मानना तो नहीं, दिन रात मेरा बस दिन में मक्खिया रात ना मच्छर है, जो गंद जब आंधी तूफान आ जानी हम तुम्हारे ऊपर तक नीचे सारे घर भर जाए, हम तो दुखी हो रहे, सारा हमारा हल होना चाहिए कुछ ना कुछ, इसका बंद होना चाहिए। उरा तो कबाड़ है और कहीं अपनी जगह देखो और अपना उरा तो बंद करो, ब्याम हो रहे तंग हमारे बच्चे भी छोटे भी, एक एक करोड़ मक्खी तो हमारे बच्चे मक्खिया में मुंह नहीं दिखता सिर नहीं दिखता उनका मक्खिया में, छोटे छोटे बच्चे हम कहाँ जावेंगे, सरकार तुम्हारा कोई हल नहीं कर दी, सरकार की मार तैयारी रिक्वेस्ट है अभी हमारा कोई हल करो। पेवा से कुरुक्षेत्र रोड पे नगर पालिका पेहोवा ने डंपिंग ग्राउंड जो है वो बनाया हुआ है और बिल्कुल रोड के ऊपर स्थित है। सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि पेवा एक तीर्थ नगरी है जहां पूरे विश्व से लोग जो है वो पेवा आते हैं और वो खास तौर पे कुरुक्षेत्र रोड से ही पेवा में प्रवेश करते हैं, और ये हमारे पेवा वासियों के लिए तो दुर्भाग्य की बात है कि जब हम पेवा में प्रवेश करते हैं हम देखते हैं कि सामने ही एक कूड़े का बहुत बड़ा जो है वो। बात करेंगे अगली खबर की, अंबाला में पिछले साल टांगरी नदी में आई बाढ़ का खौफ अभी भी लोगों के दिलों में है। जिस प्रकार से पिछले साल टांगरी नदी में आई बाढ़ में आसपास के इलाकों में तबाही मची थी, इसको लेकर अभी भी लोग दहशत में हैं। तो वहीं टांगरी नदी के पुल के पास अतिक्रमण को लेकर भी लोगों में रोष है। बता दें कि लोग टांगरी नदी में अतिक्रमण को लेकर प्रदर्शन भी कर चुके हैं और अब उसके आसपास के इलाकों के लोग इस समस्या को लेकर अंबाला उपायुक्त के दफ्तर में पहुंचे जहां से उन्होंने बाढ़ से बचाव के लिए आश्वासन दिया गया। आज हम अपनी संस्था सिटीजन ऑफ राइजिंग इंडिया जो कि बाढ़ से बचने के लिए कार्यों पे काम कर रही है, इसके लिए हमने 16 जून को आजाद नगर में एक पब्लिक मीटिंग रखी थी और पब्लिक मीटिंग में सभी से सुझाव और राय लेके ये फैसला हुआ था कि हम सभी जो है इसकी लड़ाई अलग अलग न लड़कर इकट्ठे लड़ेंगे और सरकार के संज्ञान में ये बात लाएंगे कि पिछले साल जो बाढ़ आई उसने भारी तबाही मचाई जिसका कि सर्वविदित है कि सभी का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो फिर सभी सदस्यों ने कहा कि ये हमने मीडिया में तो दे दिया, अब इसको हम क्या है कि अब जो हमारे DC साहब हैं उनके संज्ञान में भी लाना चाहते हैं, उसी के लिए आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हमने अपना एक मांग पत्र DC साहब को दिया है। अब उस मांग पत्र में जो है कि हमारी सबसे मुख्य मांग ये है कि टांगरी नदी में जो अवैध अतिक्रमण है जो कि बाढ़ का कारण बनता है उसको अतिशीघ्र हटाया जाए क्योंकि मानसून अब हमारे सिर पे है, अगर वो अतिक्रमण ऐसे ही बना रहा तो बाढ़ का पानी फिर टांगरी से पार होकर कॉलोनियों के अंदर घुसेगा और फिर पहले की तरह तबाही मचाएगा। टांगरी में पिछली बार कई दिनों तक लगातार जो फ्लड लाइन है उसके ऊपर पानी बहता रहा जिसकी वजह से
के आसपास के क्षेत्रों में जल भराव की स्थिति बनी रही, तो वो स्थिति ना हो उसके चलते इरिगेशन में अपने मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों प्रोजेक्ट्स इसमें लिए हैं और एनसीसी की वजह से कुछ विलंब हुआ उनके प्रोजेक्ट्स में, लेकिन अब वो प्रोजेक्ट्स इरिगेशन अधिकारियों के साथ उपायुक्त महोदय ने मीटिंग ली थी और वो उस पर शीघ्र ही काम करेंगे। उसमें ना ये जो नदी का एरिया है ये प्राइवेट मलकियत की जमीनें हैं, तो लोग क्योंकि ये ऐसी स्थिति है जो हर साल ही वाटर लोग करती है, तो ये सस्ती मिलती है तो लोग सस्ते के लिए यहाँ मकान आदि बना लेते हैं जो कि ज्यादा रिस्की है। बात करेंगे अगली खबर की। सीआईए वन इंचार्ज यदविंदर सिंह ने बताया कि उनकी टीम ने कार्रवाई करते हुए खजूरी निवासी सुशील, लोकेश, नीरज और रजत को गिरफ्तार किया है। बता दें कि आरोपी पिछले 1.5 साल से सदर यमुनानगर थाना जठलाना और रादौर एरिया में लगातार खेतों के ट्यूबवेल से मोटर चोरी कर रहे थे। साथ ही आरोपियों को कोर्ट में पेश कर 4 दिनों के रिमांड पर ले लिया गया है। बात करेंगे अगली खबर की, तो खबर रोहतक से है जहां नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर नगर निगम कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। बता दें कि कर्मचारियों को पक्का करने और अन्य लंबित मांगों को लेकर नगर निगम कार्यालय से उपायुक्त कार्यालय तक ये प्रदर्शन किया गया। साथ ही डीसी रोहतक के माध्यम से मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार के नाम पर एक ज्ञापन भी सौंपा गया। बात करेंगे अगली खबर की। केंद्र सरकार ने खरीफ की 14 फसलों पर एमएसपी बढ़ाए जाने पर हरियाणा के कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार बनी केंद्र सरकार ने किसान हित को ध्यान में रखते हुए किसानों के लिए ये ऐतिहासिक फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। साथ ही कृषि मंत्री कंवरपाल ने खरीफ की फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्रिमंडल का आभार जताया। साथ ही कृषि मंत्री ने प्रदेश के किसानों को बधाई देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार बनी सरकार ने एक दिन पहले अपने कैबिनेट फैसले के तहत पीएम किसान सम्मान निधि की राशि भी जारी की थी। बात करेंगे अगली खबर की। बढ़ते तापमान और हीट वेव से लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। बता दें कि वहीं अंबाला में अब इस प्रचंड गर्मी का प्रचंड रूप देखने को मिल रहा है। हाई टेम्परेचर की वजह से अंबाला में 2 व्यक्तियों की जान चली गई। हालांकि परिजनों ने मौत का कारण गर्मी बताया, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने हाई टेम्परेचर को मौत का कारण बताया। फिलहाल के लिए इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम हरियाणा पंजाब में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।